मंगलवार को इंडिया गठबंधन की बैठक में वो कौन सी ऐसी बात थी जिसने कांग्रेस पार्टी को मजबूर कर दिया कि वो हर हाल में अखिलेश यादव का नेतृत्व इस गठबंधन के लिए स्वीकार कर ले। हम ये बात आपको बताने जा रहे हैं। तो 5 राज्यों के चुनाव के बाद दिल्ली में इंडिया गठबंधन की जो बैठक हुई उसमें अखिलेश यादव एक अलग ही मूड में पहुंचे थे और इस गठबंधन में उन्होंने बहुत कुछ राफ साफ कर दिया और यह सब कुछ था बसपा को लेकर के, बीएसपी को लेकर के। जो कांग्रेस पार्टी दो नावों की सवारी करना चाह रही थी, खास करके बीएसपी से अंदर खाने बातचीत की बात सामने आती थी और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी को भी साथ रखने की कोशिश। अखिलेश यादव ने इस मीटिंग में एक बात साफ कर दिया कि अगर बसपा को लेना है, यानी कि मायावती अगर इस गठबंधन में आएंगी तो वो अलग रास्ता अख्तियार कर लेंगे। और ये उस भरी मीटिंग में जब अखिलेश यादव की बारी आई बोलने की तो उन्होंने सबसे पहले यही बात कह दी। उन्होंने तल्ख तरीके से कांग्रेस पार्टी से पूछ लिया कि क्या बीएसपी से कोई बातचीत चल रही है, क्या आप बीएसपी को लाना चाहते हैं, बीएसपी के साथ रहना चाहते हैं। अचानक हुए इस सवाल से कांग्रेस पार्टी थोड़ी हिल सी गई और कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो हमारे सूत्र बताते हैं उसके मुताबिक राहुल गांधी ने खुद ही इस बात को वहां पर क्लैरिफाई किया कि बीएसपी से कोई सीरियस बात नहीं हो रही है और उत्तर प्रदेश में 2024 का जो गठबंधन है उसमें कांग्रेस पार्टी समाजवादी पार्टी के गठबंधन के साथ ही जाएगी। हालांकि बाद में जब मीटिंग खत्म हुई तो बाहर निकलकर मनोज झा, जो कि प्रवक्ता भी बनाए गए हैं इस इंडिया ब्लॉक के, उन्होंने कहा कि ये बात दरअसल रामगोपाल यादव ने रखी थी। लेकिन अगर हम अपने खास सूत्रों की बात करें तो अखिलेश यादव ने दो टूक मीटिंग में ये बात रख दी थी कि कांग्रेस पार्टी को सपा और बसपा दोनों में से किसी एक को चुन लेना होगा और यहीं से पूरी की पूरी बात सपा की तरफ मुड़ गई। इसे कहते हैं कहीं ना कहीं एक माइंड गेम। जिस तरीके से मध्य प्रदेश के चुनाव के पहले कांग्रेस पार्टी के साथ समाजवादी पार्टी की बातचीत आखिर तक चली और अंत में अचानक समाजवादी पार्टी को लगा कि उनके साथ धोखा हो गया है और उनकी उन तमाम सीटों पर जहां पर उनके दावे थे वहां पर कांग्रेस पार्टी ने अपने कैंडिडेट उतार दिए, उसके बाद से दोनों के बीच में तल्खी बहुत बढ़ गई थी। और कल अखिलेश यादव अब इस मुद्दे पर किसी भी तरीके से दो बातें नहीं चाहते थे। दरअसल अखिलेश यादव को हमेशा से ये बात लग रही थी कि कांग्रेस पार्टी दोनों पार्टियों के साथ संपर्क में है, बसपा से भी और सपा से भी, और वो इस गठबंधन में कहीं ना कहीं दोनों के बीच एक कड़ी का काम भी करना चाहती है। वो चाहती है कि बसपा भी इस गठबंधन में आ जाए और अखिलेश यादव इस बात से खासे नाराज थे कि कहीं ना कहीं अगर ये चीजें हुई, यानी कि सपा और बसपा आई, तो फिर गठबंधन की कमान कांग्रेस पार्टी के हाथ में होगी। और यही वजह रही कि उन्होंने कल सबसे पहले इस बात को साफ किया कि अगर गठबंधन में समाजवादी पार्टी को रखना है तो बसपा के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। और जब मीटिंग में, भरी मीटिंग में उन्होंने ये बात कह दी तो फिर कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को यह साफ करना पड़ गया कि बीएसपी के साथ जाने का कोई इरादा नहीं है। इसके पीछे का भी एक बैकग्राउंड है। ठीक इस मीटिंग के पहले, यानी कि मंगलवार जब कल ये मीटिंग हुई, उसके एक शाम पहले उत्तर प्रदेश के नेताओं की कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात हुई और बैठक हुई जिसमें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, प्रमोद तिवारी, अजय राय ऐसे नेता उसमें मौजूद थे। जो प्रदेश नेतृत्व है उसका रुख यह था कि समाजवादी पार्टी से इतर सोचा जाए और बीएसपी को भी साथ लाने की कवायद की जाए। वहीं दूसरी तरफ प्रमोद तिवारी जैसे जो नेता थे ये सीधे तौर पर सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव के साथ गठबंधन में जाने की वकालत कर रहे थे। कुल मिलाकर के कांग्रेस ने सोमवार की शाम को यह तय कर लिया था कि अगर दोनों में से एक ही चुनना होगा तो फिर समाजवादी पार्टी को ही चुनना चाहिए। और कल जब अखिलेश यादव ने इस मीटिंग में इस मुद्दे को उठाया तो फिर राहुल गांधी ने उसे पूरी तरीके से साफ कर दिया, यानी कि अब बीएसपी के लिए, मायावती के लिए फिलहाल
इस इंडिया ब्लॉक में, इस गठबंधन में रास्ते बंद दिखाई दे रहे हैं। और मायावती जो लगातार ये बात कह रही थी कि वो अकेले चुनाव में जाएंगी, तो अब अकेले चुनाव में जाना उनकी मजबूरी भी हो सकती है। हालांकि राजनीति है, कल क्या हो कोई नहीं जानता, लेकिन फिलहाल इस इंडिया ब्लॉक में, इस गठबंधन में मायावती का रास्ता फिलहाल बंद दिखाई देता है।